हद हो गई है, जो आदमी आपने जेल में पकड़ के रखा हुआ है और आपको ओएफके ने क्या किया है, ओएफके से पूछने की हिम्मत है नहीं आपकी, उनको तो दुबई भिजवा दो, हम उसको पकड़ के लाएंगे, सर बुर्ज खलीफा भी देख के आएंगे। ये है क्या आपका एटीट्यूड? हिम्मत नहीं है। मैंने आपके आईओ की शक्ल देख के उस दिन बोल दिया था, जैसा ब्लैंक फेस लेके वो आया था, अरे भाई साहब जो आखिरी ऑप्शन था चेक किया आपने, रूल आउट किया क्या आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान? हमें धमकाने आ जाते हैं, एनएसजी ने किया, एनआईए ने किया, और आपके एसपी को तो खुद कुछ नहीं मालूम, और आपके आईओ को सर सब इंस्पेक्टर जैसे लेवल का आदमी जो इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होना चाहिए, जिसको एम्युनिशन के बारे में अपनी रिवॉल्वर तक का पता नहीं होगा क्या है। Which is dated 4/7. May I read this document which I have been handed? Please. Thana Prabhari, Thana Adhartal. This has been addressed by MSTC. Vishay, aapka patr kramank 700 Bhavat Mahoday. Aapke patr ke sambandh mein kripya binduwar jankari prapt karein. Company record ke anusar hamare dwara Mrs. Raja Metals, that is A9 model, in respect to A9. Record ke anusar hamare dwara Mrs. Raja Metal ka moon group se dinank 15/3/2023 ka photo ID card jari kiya gaya hai. They admit this part. जारी किए गए फोटो आईडी कार्ड की सत्यापित छाया प्रति आपके संदर्भ के लिए इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। यह फोटो आईडी कंपनी को किसी भी प्रकार का एक्सक्लूसिव खरीदने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। दिस सर्टिफिकेट डजंट गिव ए राइट ऑफ परचेज। नहीं, मैंने तो आपको वो जो एक जो आगे चार लाइनें हैं, सर आगे चार लाइन की क्वेरी नहीं थी, फिर भी उसको मैं मीट आउट कर देता हूँ। क्वेरी कुल मिला के ऑर्डर में इतनी थी कि ये सर्टिफिकेट जो हमने फाइल करा ये जेन्युइन है या नहीं। नाउ व्हाट दे राइट ओवर हियर, आगे आपको ये भी सूचित करना चाहेंगे, दिस इज इन्फॉर्म टू द थाना प्रभारी, आगे आप करना चाहेंगे ये आई कार्ड सेलर विक्रेता द्वारा एमएसटीसी को नीलामी के लिए दी गई अनुपयोगी सामग्री के निरीक्षण व डिलीवरी के लिए दिया जाता है। देन इट सेज हमारे द्वारा दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्शन विच हैज बीन परफॉर्म, हमारे द्वारा आयोजित नीलामी में सेलर वुड बी खमरिया मालो, हमारे द्वारा आयोजित नीलामी में सेलर की अनुपयोगी की सामग्री को ही केवल सफल बुलीदाता खरीद सकता है। इनके द्वारा नीलामी आयोजित की जाती है। एमएसटीसी इज ए एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट विच ऑर्गेनाइजेस द टेंडर्स। मालो यूज नहीं कर रहा, आई कार्ड यूज कर रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हो पहले ये तो बताओ। टीसी एक सेपरेट एजेंसी है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो भी स्क्रैप मटेरियल निकलता है उसको पहले करती है और उसका ऑक्शन करती है। अकेले इसी के लिए नहीं, देयर आर डिफरेंट फॉर ऑटोमोबाइल्स, सो नंबर ऑफ थिंग्स एमएसटीसी कंडक्ट द ऑक्शन। ओएफके हैड एग्जीक्यूटेड अ लाइसेंस डीड, सो देयर आर टू थिंग्स, या तो लाइसेंस डीड के थ्रू ये जाकर के वहां से कलेक्ट करके या एमएसटीसी के जो ऑक्शन है वहां से परचेस करते हैं। तो ये ओएफके के लाइसेंस, आप बताओ ना मुझे थोड़ा, इट इज नॉट फॉर मी टू अक्यूज्ड, ही हैज प्लेड अ बिट, सो हद हो गई यार। जो आदमी आपने जेल में पकड़ के रखा हुआ है और आपको ओएफके ने क्या किया है, ओएफके से पूछने की हिम्मत है नहीं आपकी, है ना, दुबई जाना है हमको तो सर बस इतना है, हमको तो दुबई भिजवा दो, हम उसको पकड़ के लाएंगे सर, बुर्ज खलीफा भी देख के आएंगे। ये है क्या आपका एटीट्यूड? हैव यू ग्रिल्ड द ओएफके ऑफ एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स कि कैसे किया था आपने? हिम्मत नहीं है। मैंने आपके आईओ की शक्ल देख के उस दिन बोल दिया था, जैसा ब्लैंक फेस लेके वो आया था, आई इमीडिएटली केम टू अ कंक्लूजन कि इससे बहुत ज्यादा कुछ इंटेलिजेंस की उम्मीद नहीं है। आपने ओएफके के साथ क्या बात की उसके बाद? एज पर माय केस डायरी आई एम नॉट हैविंग दैट डॉक्यूमेंट, बट आपके आईओ ने उसके बाद डायरी खोल के क्या किया? Instructions are that they have written a letter to the OFK authorities कि वो इस बात की जानकारी दें कि इस तरीके का बॉम्ब अगर disposal आपने ये auction proceedings कैसे conduct की इसके बारे में अभी भी आप जानबूझ के चुप हैं? Still that जानबूझ के चुप हैं? Actually अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है स्पष्ट कि ये कब आया। It might be कि अभी ठीक है कब आया, ओएफके कहती है जितना बड़ा केटर बन गया है ये हमारा नहीं है, हो गया
इन्वेस्टिगेशन खत्म, फिर स्टिल गोइंग। जब आप ये देखेंगे कि जब ये ऑक्शन हुआ तो क्या क्या सामान ऑक्शन हुआ उस समय, चेक किया आपने? इट इज स्टिल अंडर प्रोसेस क्योंकि किस ऑक्शन में आया। अरे भाई साहब, जो आखिरी ऑक्शन था चेक किया आपने? रूल आउट किया क्या आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान? साहब ये इस तरीके की ये चीजें ऑक्शन हुई थी, उससे ये एक्सप्लोजन नहीं हो सकता। मुझे मालूम था यार, ये आपके, अब मैं क्या बोलूं, हमें धमकाने आ जाते हैं, एनएसजी ने किया, एनआईए ने किया, और आपके एसपी को तो खुद कुछ नहीं मालूम। ओएफके का क्या है आपके पास मटेरियल? या तो आप ये कहिएगा कि ओएफके से कभी ऑक्शन में ये गया ही नहीं, या ये कहिए कि ये कहीं और से ऑक्शन से हुआ है, या ये कहिए कि साहब ये कहीं और से लेके आया। क्या कह रहे हो आप? सर ओएफके ने 27/4/24 को जो, वो तो मैं देख चुका हूँ, इतना बड़ा केटर बन गया था सर, वो मेरे मेरे यहाँ का नहीं हो सकता, हो सकता लिखा है ना जी। आपके आईओ ने क्या क्या डायरी खोल के दिखाइए मेरे को। कुछ इन्वेस्टिगेशंस के लिए एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होती है, तो जो आईओ आया था उसका ब्लैंक फेस देख के मैं समझ गया कि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन वर्ड को जनरल मत ले लीजिएगा, इट वॉज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर केस। अभी तक आप ये कह रहे हो, ये वो कह रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता है कि हम क्या कह रहे हैं। दीजिए डायरी दीजिए, और एल्स कीप योर एसपी प्रेजेंट। हमें धमकाने आ जाते हो कि एनएसजी भी आई थी, एनआईबी आई थी। आपने सबका आंसर लास्ट ऑर्डर में दे दिया सर। अरे सर क्या करें, द एंटायर आंसर हैज बीन गिवन बाय लॉर्ड। सवाय एजी ऑफिस को छोड़ के कोई भी सीरियस नहीं, और नहीं है तो बोलो ना, हिम्मत करो, सब छोड़ दो इनको। घटना में कई बिंदुओं पर विवेचना जारी है, एनएसजी और एनआईए जैसे केंद्रीय एजेंसियां भी आई हैं, और उसको अंडरलाइन करके हमें पढ़वाते हैं। मजाक है सर, वो डायरी प्रोसीडिंग्स उसकी कहाँ पे है? कहाँ है डायरी? कीप योर एसपी प्रेजेंट अलोंग विद द कंप्लीट डायरी। कितने बजे बुलाएंगे आप उनको? ठीक है 2:30 बजे। मजाक बना के रखा आप लोगों ने, और हैव अ करेज टू से लास्ट ऑर्डर में। इनफैक्ट पैरा 26 अगर आप देखेंगे तो उसमें दीपापोती कर रहे हैं बैठ के। मैं ये बता रहा हूँ कि व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय माय लॉर्ड that it is not an accident but it was a deliberate form. सर मैंने पूछा, अगर एक बार ये तो जा से 304 यही बनेगा सर। सर यू आर राइट, हम कैसे कॉन्स्पिरेसी सरकार के, हमें क्यों धमकाते हैं कि एनएसजी भी आई थी, एनआईए भी आया था बस। और आपके आईओ को सर, सब इंस्पेक्टर जैसे लेवल का आदमी जो इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होना चाहिए, जिसको एम्यूनिशन के बारे में अपनी रिवॉल्वर तक का पता नहीं होगा क्या है। नहीं होगा सर पता, आप ठीक बोल रहे हैं। अभी उनको फायरिंग रेंज में ले जाओ तो सर एक ना लगेगी उनके निशाने पे। 2:30 और वो डायरी प्रोसीडिंग्स लेके आइए जिसमें वो लिखते हैं। एक निवेदन कर लूं सर, इसको करीब 3:30 पर रख लें, एक स्पेशल डीबी है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कैन बी 3:30 3:30 बजे उनको 3:30 बजे बुलाएं।